अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। टुडे 29 अप्रैल 2020, दिस लेक्चर फॉर ऑल 9th सीनियर बॉयज एंड गर्ल्स। चैप्टर नंबर 6 हम लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट आज आप लोगों का इसका लेक्चर है। जो टॉपिक्स आपके रहते हैं वो हैं फैक्टर, इफेक्ट, सॉलिबिलिटी और कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। ये टॉपिक आज आप लोगों ने पढ़ने हैं, ठीक है, या रिवाइज करने हैं, तो अच्छे तरीके से रिवाइज करने हैं आप। द टॉपिक्स विच विल बी रिवाइज टुडे, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, टेंडल इफेक्ट, कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन, कोलाइड, सस्पेंशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी में तीन फैक्टर्स होते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक, सॉल्वेंट सॉल्यूट के इंटरेक्शन और टेम्परेचर। लाइक डिजॉल्व लाइक आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है, तो दो फैक्टर्स आप लोगों ने आज पढ़ने हैं, ठीक है। और ये सारा जो है वो आज का लेक्चर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दैट इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी, तो तीन फैक्टर्स मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताए थे, तो उनमें से दो जो है वो आज आप लोगों ने डिस्कस करने हैं। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्युबिलिटी और सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन आप लोगों ने सबसे पहले डिस्कस करनी है। द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ क्रिएशन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड दोज ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कशिश की जो कुव्वत है, या सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर हल होने की जो कुव्वत है, ठीक है, वो हम लोग जो है उसकी वजाहत किस चीज़ की बिना पे कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेज जो हैं, जो आप लोगों के पास कशिश की कुव्वत की फोर्स जो है, किस में, सॉल्यूट में, ठीक है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स में और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में, वो किस तरह की है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग इसको वजाहत कर सकते हैं। टू डिजॉल्व वन सब्सटेंस इन अनदर सब्सटेंस, किसी एक चीज़ को यानी कि सॉल्यूट को किसी दूसरी चीज़ में यानी कि सॉल्वेंट में हल करने के लिए तीन इवेंट्स होने लाजमी हैं। अब वो तीन इवेंट्स कौन से हैं? फर्स्ट है, सॉल्यूट पार्टिकल मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सॉल्यूट के पार्टिकल जो हैं वो आपस में उनकी इंटरेक्शन कम होनी चाहिए और उनको आपस में सेपरेट हो जाना चाहिए, अलहदा हो जाना चाहिए। इसी तरह सॉल्वेंट के साथ भी है, सॉल्वेंट पार्टिकल मस्ट सेपरेट टू प्रोवाइड स्पेस फॉर द सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को भी अलहदा हो जाना चाहिए और सॉल्यूट के पार्टिकल्स को जगह देनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल मस्ट अट्रैक्ट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को फिर बाद में एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन भी शो करनी चाहिए और फिर वो मिक्स होंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। यानी कि आप लोगों के पास ये जो है वो ज़रूरी कंडीशंस हैं तीन, कि ये होंगी तो ही सॉल्यूशन जो है वो बनेगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं बनेगा। एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन में क्या है, सॉल्यूशन फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट, ठीक है। अब सॉल्यूशन का बनना जो है वो इन्हसार करता है रिलेटिव स्ट्रेंथ पे, किसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ पे, अट्रैक्टिव फोर्सेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ पे। और वो अट्रैक्टिव फोर्सेस किन के दरमियान होती है, सॉल्यूट सॉल्यूट के दरमियान भी होती हैं, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के दरमियान भी होती हैं और सॉल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान भी होती हैं। इन तो तीनों के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो जो हैं वो डिसाइड करती हैं कि सॉल्यूशन जो है वो बनेगा या नहीं बनेगा, या दूसरे लफ्ज़ों में सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर हल होगा या नहीं होगा, ठीक है। जनरली सॉल्यूट्स आर सॉलिड, मोस्टली जो है वो सॉल्यूट जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं और वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब एक कंडीशन जो है वो सॉल्यूशन फॉर्मेशन की है और दूसरी जो है वो सॉल्यूशन नहीं बनने वाली कंडीशन है।
If the new force between solute and solvent particles, अगर बनने वाली जो नई फोर्स है सोल्यूट सॉल्वेंट की, ठीक है, यानी कि आपने सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर हल किया, डाला, ठीक है, तो अब वो नई अट्रैक्टिव फोर्सेस बनेंगे ना. पहले तो सोल्यूट सोल्यूट की दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स थी और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स थी. अब जब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया है, सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया है, तो अब नई फोर्स जो है वो जनरेट होगी. अगर तो वो नई फोर्स जो है वो सोल्यूट सोल्यूट की अट्रैक्टिव फोर्सेस और सॉल्वेंट सॉल्वेंट की अट्रैक्टिव फोर्सेस से ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है सोल्यूट सॉल्वेंट की, ठीक है, सोल्यूट सॉल्वेंट की अट्रैक्शन सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट की अट्रैक्शन से स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा है, तो आप लोगों के पास सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में हल हो जाएगा. देन द सोल्यूट डिजॉल्व एंड सोल्यूशन इज फॉर्म्ड और सोल्यूशन बन जाएगा. लेकिन अगर इसके ऑपोजिट देखें और दूसरी तरफ, इफ़ द न्यू फोर्सेज बिटवीन सोल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स वीकर देन द सोल्यूट सोल्यूट अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि सोल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान जो नई बनने वाली फोर्स है वो कमज़ोर होगी सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट की अट्रैक्शन अट्रैक्टिव फोर्स की निस्बत, तो आप लोगों के पास जो है वो सोल्यूट इनसॉल्युबल रहेगा, यानी कि वो हल नहीं होगा और आपके पास सोल्यूशन जो है वो नहीं बनेगा, सोल्यूशन इज नॉट फॉर्म्ड. दोबारा बता रही हूँ, अगर तो सोल्यूट सॉल्वेंट की अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से, तो सोल्यूट हल हो जाएगा और सोल्यूशन बन जाएगा. लेकिन अगर नई बनने वाली सोल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स वीकर होती है, कमज़ोर होती है सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट की निस्बत, तो सोल्यूट सॉल्वेंट में हल नहीं होगा और सोल्यूशन नहीं बनेगा. अब हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, एग्जांपल ऑफ NaCl. के फॉर एग्जांपल, व्हेन NaCl इज एडेड इन वाटर, मिसाल के तौर पे जब हम नमक को पानी में हल करते हैं, इट डिजॉल्व रेडिली, ये आसानी से जो है वो हल हो जाता है. बिकॉज, क्योंकि द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द आयंस ऑफ NaCl, क्योंकि NaCl के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं और वाटर के दरमियान जो होती हैं, नमक और पानी के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है देन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन इन सॉलिड NaCl क्रिस्टल. Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के दरमियान भी अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं जब वो क्रिस्टल की शक्ल में होते हैं, तो वो जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं वो वीक होती हैं नई बनने वाली फोर्स से, ठीक है. NaCl और जो है वो वाटर के दरमियान जो नई बनने वाली अट्रैक्टिव फोर्स है उससे वीक होती हैं. इन दिस प्रोसेस, अब इस प्रोसेस में क्या होता है, द पॉजिटिव एंड ऑफ वाटर डाइपोल, ठीक है. वाटर आप लोगों को मैंने बताया था कि ये डाइपोल होता है, इसके दो पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दो पोल्स होते हैं इसके इसके पास. तो पॉजिटिव एंड जो है वो वाटर का वो ओरिएंट करता है किसकी तरफ, टूवर्ड्स द Cl नेगेटिव आयन, ठीक है. जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव आयन की तरफ करेगा और जो नेगेटिव एंड है वाटर का वो पॉजिटिव आयन यानी कि Na पॉजिटिव की तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है. दीज आयन डाइपोल अट्रैक्शन, ये जो आप लोगों के पास आयन डाइपोल अट्रैक्शन होती है Na पॉजिटिव और जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान और Cl नेगेटिव और वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान, ये स्ट्रॉन्ग होती है और ये इन आयंस को क्रिस्टल्स में से जो है वो अपनी पोजीशन से अपनी तरफ जो है वो खींचते हैं वाटर के डाइपोल्स, ठीक है. एंड थस NaCl डिजॉल्व, तो इस तरह से NaCl जो है वो पानी में हल हो जाता है. यहाँ पे आप लोगों को NaCl नज़र आ रहा है, यहाँ पे पर्पल कलर के जो हैं वो Cl जो है वो बोल्स शो किए हैं, ग्रीन कलर के जो हैं वो सोडियम के शो किए हैं और दूसरी तरफ जो है वो रेड वाले बॉल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के लिए शो किए हैं और ब्लू वाले जो हैं वो हाइड्रोजन के लिए शो किए हैं.
आप लोगों को नजर आ रहा होगा, एन ए की तरफ जो है वो सारे रेड वाले बॉल्स जो हैं वो ओरिएंट किए हुए हैं कि ऑक्सीजन जो है वो उसने सोडियम को घेरा हुआ है, जबकि हाइड्रोजन जो है वो उसने सीएल को जो है वो ओरिएंट किया हुआ है, उसकी तरफ जो है वो अट्रैक्शन शो की हुई है। तो इस तरह से जो है वो NaCl पानी के अंदर हल हो जाता है। टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी, टेम्परेचर जो है वो जनरली इस तरह से होता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज होती है, ठीक है। लेकिन जो है वो आप लोगों के पास क्या होता है कि सॉलिबिलिटी जो है वो, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अगर आप लोग जो हैं वो उसको बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के केस में, तो उसमें मज़ीद सोल्यूट जो है वो हल किया जा सकता है। तो मोस्टली इसी तरह होता है, लेकिन सारे के सारे सॉल्ट जो हैं वो इस तरह से नहीं करते। तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, हीट इज़ एब्जॉर्ब, हीट इज़ गिवन आउट, नो चेंज इन हीट, कि हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, हीट जो है वो रिलीज़ भी हो सकती है, और नो चेंज भी हो सकता है। हीट इज़ एब्जॉर्ब व्हेन सॉल्ट, डिफरेंट सॉल्ट्स जो हैं वो डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। अब यहाँ पे जो सॉल्ट्स हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि ये ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनकी सॉलिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी, ठीक है। व्हेन सॉल्ट लाइक के एन ओ थ्री, पोटाशियम नाइट्रेट एन ए एन ओ थ्री, सोडियम नाइट्रेट एन के सी एल, पोटाशियम क्लोराइड आर एडिड इन वाटर, कि जब आप लोग इसको पानी में डालेंगे, ठीक है, द टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड, टेस्ट ट्यूब जो है वो ठंडी हो जाएगी। टेस्ट ट्यूब जो है वो आप लोग जैसे ही सॉल्ट को पानी में डालेंगे तो आपने टेस्ट ट्यूब को हाथ में पकड़ा है तो टेस्ट ट्यूब आपको ठंडी महसूस होगी। क्यों? इट मीन्स ड्यूरिंग डिसॉल्यूशन ऑफ दी सॉल्ट्स, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये सॉल्ट हल होते हैं तो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह के डिजॉल्विंग प्रोसेस को आप लोग कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, के जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, उस एंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, और थर्म का मतलब होता है हीट। इक्वेशन में भी नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट प्लस हीट, यानी कि सॉल्वेंट होगा, सोल्यूट होगा और हीट होगी, तो सॉल्यूशन बन जाएगा इन सॉल्ट के केसेस में। सॉल्युबिलिटी यूजली इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी जो है वो इन केसेस में बढ़ेगी फॉर सच सोल्यूट, इस तरह के सोल्यूट में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉलिबिलिटी भी बढ़ेगी। इट मीन्स डैट, इसका मतलब ये हुआ, हीट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द आयंस ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के आयंस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको तोड़ने के लिए जो है वो हीट चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो है वो हीट एब्जॉर्ब होती है, तो वो हीट कहाँ से आती है, दिस रिक्वायरमेंट इज़ फुलफिल्ड बाय द सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स, जो उसके सराउंडिंग में मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास जितने हीट होती है, यानी कि टेस्ट ट्यूब के टेस्ट ट्यूब भी अगर रूम टेम्परेचर पे है तो उसमें भी थोड़ी सी हीट होगी, जो आपने उसके अंदर वाटर डाला है उसमें भी थोड़ी सी हीट होगी, तो वो सॉल्ट जो है वो सारी हीट को एब्जॉर्ब करके तो अपने आयंस के जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं उसको ब्रेक करेगा और फिर उसके बाद जो है वो उस सॉल्वेंट में हल हो जाएगा। एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे में देयर टेम्परेचर फॉल डाउन, इस तरह से जो है वो टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर जो है वो कम होता चला जाता है, या उस सोल्यूशन का टेम्परेचर कम होता चला जाता है, एंड टेस्ट ट्यूब बिकम कोल्ड, और फिर टेस्ट ट्यूब आप लोगों को ठंडी महसूस होती है। इसके ऑपोजिट जो है वो हीट इज़ गिवन आउट, ठीक है, कि हीट जो है वो निकलती है। व्हेन सॉल्ट लाइक, अब यहाँ पे कौन से सॉल्ट है, लिथियम सल्फेट है और सीजियम सल्फेट है, आर एडिड इन वाटर, जब इनको पानी में हल करते हैं टेस्ट ट्यूब बिकम वार्म, टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है। इट मीन्स ड्यूरिंग डिसॉल्यूशन ऑफ दीज सॉल्ट हीट इज़ गिवन आउट, इसका मतलब ये हुआ कि इन सॉल्ट के हल होने से हीट जो है वो निकलती है, और इस तरह के प्रोसेस को आप कहते हैं एक्सोथर्मिक। इक्वेशन में नज़र आ रहा है, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया तो आपके पास सोल्यूशन तो बनेगा, लेकिन साथ ही साथ जो है वो हीट भी जो है वो बनेगी, या हीट भी रिलीज होगी। इन सच केसेस, इस तरह के केसेस में सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इन केसेस में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी जो है वो कम होती है। पिछले केस में जो है वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
के हीट बढ़ाने से जो है वो सॉलिबिलिटी भी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने से, लेकिन इसमें ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। इन सच केसेज अट्रैक्टिव फोर्स अमंग द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर वीकर एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर, के सॉल्यूट सॉल्वेंट की अट्रैक्शन जो है वो पहले इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सॉल्यूट सॉल्यूट की निस्बत कि उसको हीट नहीं चाहिए होती, वो आसानी से जो है वो उसके अंदर हल हो जाता है। एज अ रिजल्ट देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी, तो इस तरह से फिर जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। एंड नो चेंज इन हीट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक जो है वो आप लोगों के सामने जो है वो ग्राफ भी शो करवाया है जो कि तीनों का है। ये तीनों जो है वो आप लोगों के पास पॉसिबिलिटीज का है। पहले हम नो चेंज इन हीट देख लेते हैं। इन सम केसेस ड्यूरिंग अ डिसोल्यूशन प्रोसेस के हल होने के अमल में नाइदर द हीट इज एब्जॉर्ब, ना हीट एब्जॉर्ब होती है, नॉर रिलीज्ड, ना ही हीट जो है वो रिलीज होती है। व्हेन सॉल्ट लाइक NaCl, जब नमक को पानी में NaCl को पानी में हल करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम, टेम्परेचर वैसा ही रहता है, उसमें कोई जो है वो चेंज नहीं आता, ठीक है, मेजरेबल चेंज नहीं आता। इन सच केस टेम्परेचर हैज़ अ मिनिमम इफेक्ट ऑन द सॉलिबिलिटी, इस इन केसेस में टेम्परेचर जो है वो सॉलिबिलिटी पे उसका बहुत कम असर होता है। अब यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा NaCl वाली लाइन देखें, वो बिल्कुल थोड़ी सी जो है वो वेरिएशन उन्होंने शो की है कि जो कि ना होने के बराबर है कि यहाँ पे हीट चेंज नहीं होती। और यहाँ पे देखें आप लोगों के पास NaNO3 जो है वो टॉप पे देखें कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सॉलिबिलिटी भी वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। अब नीचे आ जाएं, वहाँ पे सीजियम सल्फेट को देखें, वो पहले ऊपर था और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती गई, ठीक है। तो उसका ग्राफ इसलिए नीचे की तरफ आ रहा है कि जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होनी शुरू होगी। टिंडल इफेक्ट क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड आर बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद करनी है कि कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होने की वजह से लाइट की जो बीम होती है उसको स्कैटर करते हैं, उसको फैला देते हैं, उसको आप लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। फॉर एग्जांपल कुछ कोलाइड्स की एग्जांपल मैंने लिखी है, जेली है, ब्लड है, मिल्क है, सोप सॉल्यूशन है, ऑल दीज आर कोलाइड्स। अब यहाँ पे एक उन्होंने जो है वो डायग्राम में नज़र आ रहा होगा टॉर्च ली है और दो बीकर्स लिए हैं, एक बीकर में सॉल्यूशन है ट्रू सॉल्यूशन और दूसरे में जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखें ट्रू सॉल्यूशन में से जो है वो लाइट बिल्कुल सीधी जो है वो गुजर रही है, लेकिन कोलाइडल में से जो है वो आगे देखें वो फैल रही है कि लाइट जो है वो बाहर जब निकलेगी तो वो उसका जो है वो डायमीटर ज़्यादा हो जाएगा, वो फैल जाएगी, तो उसको आप लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। रीजन ऑफ सॉल्यूशन कोलाइड एंड सस्पेंशन, ये मैंने जो है वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अलहदा अलहदा से मैंने सॉल्यूशन कोलाइड और सस्पेंशन की डेफिनेशंस नहीं लिखी, आपने क्या करना है इन्हीं पॉइंट्स को दो या तीन पॉइंट्स को इकट्ठा कर देना है, मर्ज कर देना है और उसकी एग्जांपल लिख देनी है, तो आपके पास वो सेपरेट सेपरेट की डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है। मैंने इकट्ठी ही जो है वो इनके कंपेरिजन में सारा कुछ लिख दिया। तो पहला कंपेरिजन है इसका, द पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, पार्टिकल्स जो हैं वो सादा तरीन शक्ल में होते हैं सॉल्यूशन की केस में, दैट इज़ एज अ मॉलिक्यूल और आयंस, आयंस की फॉर्म में होते हैं या मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं और इनका डायमीटर होता है 10^-8 सेंटीमीटर, ठीक है। जबकि कोलाइड्स में जो हैं वो देयर पार्टिकल्स आर लार्ज, इनका साइज जो है वो थोड़ा बड़ा होता है पार्टिकल्स का, ऑफ मैनी एटम्स, और ज़्यादा सारे एटम्स होते हैं, ज़्यादा सारे आयंस होते हैं और ज़्यादा सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और इनका साइज़ जो है वो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ 10^-6 और 10^-7 के दरमियान में होता है। सस्पेंशन, द पार्टिकल्स आर ऑफ लार्ज साइज, पार्टिकल जो हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं, कोलाइड से भी बड़े होते हैं, दे आर लार्जर देन 10^-5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, कि ये
10 की पावर माइनस 5 से भी जो है वो इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, कि माइनस में जितनी छोटी वैल्यू होती जाती है वो बड़ी होती जाती है, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, पार्टिकल्स डिजॉल्व यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, पार्टिकल जो हैं वो हर जगह यूनिफॉर्मली जो हैं वो डिजॉल्व होते हैं एंड फॉर्म अ होमोजेनस मिक्सचर, और होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं। लेकिन कोलाइड्स में क्या होता है, अ कोलाइड अपीयर्स टू बी होमोजेनियस, कोलाइड्स में जो है वो ये पार्टिकल्स जो हैं वो होमोजेनियस नज़र आ रहे होते हैं, बट एक्चुअली इट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, लेकिन असल में ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम, पार्टिकल्स जो हैं वो लंबे अरसे के लिए जो हैं वो बॉटम में नहीं बैठते। लेकिन सस्पेंशन में क्या होता है, पार्टिकल्स रिमेन अनडिजॉल्व, इसमें वो अनडिजॉल्व ही रहते हैं, ठीक है, हल होते ही नहीं हैं एंड फॉर्म अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और इसमें होमोजीनियस वाला कंसेप्ट ही नहीं है, ये होते ही हेट्रोजीनियस हैं, ठीक है। पार्टिकल सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, और जब आप उनको मिक्स करते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद जो है वो बॉटम में बैठ जाते हैं। अब एक एक एग्जांपल जो है वो उसके हवाले से जो है वो आप इसको याद रखिएगा। सॉल्यूशन की हम एग्जांपल ले लेते हैं, NaCl को पानी में डाला हुआ है, ठीक है, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने कोलाइड की एग्जांपल ले लेते हैं, सोप सॉल्यूशन, साबुन को पानी में हल किया हुआ है, और सस्पेंशन की एग्जांपल ले लेते हैं चौक सॉल्यूशन, के चौक को पानी में डाला हुआ है, ठीक है। इसको जहन में रखते हुए जो है वो आप लोगों ने जो है पॉइंट्स याद करने हैं। अब पॉइंट नंबर थ्री है, पार्टिकल्स आर सो स्मॉल एंड डैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, ठीक है, के नेकेड आई का मतलब होता है आम आँख, ठीक है, जिसे आप लोग बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं, नंगी आँख, इसको वैसे इसका लफ्जी मतलब है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के केस में NaCl जो है वो आप लोगों को Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव जो है वो आम आंख से नज़र नहीं आते, क्योंकि ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन कोलाइड में जो है वो पार्टिकल्स आर लार्ज, पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, बट दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, ये थोड़े बड़े तो होते हैं लेकिन फिर भी ये भी आम आंख से नज़र नहीं आते। यानी कि सोप सॉल्यूशन अगर आप लोग देखें तो आप नहीं कह सकते कि ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है, इस तरह से आप लोग पार्टिकल्स को सेपरेशन नहीं कर सकते। उसके बाद है सस्पेंशन, पार्टिकल्स आर बिग, इसमें पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है चूंकि, ठीक है, तो इसलिए जो है वो बिग इनफ टू बी सीन विद नेकेड आई, इसलिए हम उनको आम आंख से भी देख सकते हैं। चौक को पानी में डाले तो हमें नजर आ रहा होता है कि हमने चौक को पानी में डाला हुआ है, ठीक है। पॉइंट नंबर फोर, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन पास इजीली थ्रू अ फिल्टर पेपर, के अगर हम लोग फिल्टर पेपर जो है वो रखें और उसके ऊपर सॉल्ट सॉल्यूशन को डाल दें तो वो आसानी से जो है वो सॉल्ट और वाटर जो है वो फिल्टर पेपर के पोर्स में से गुजर के नीचे आ जाएगा बीकर में, ठीक है। लेकिन कोलाइड के केस में ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होगा। सॉल्यूट पार्टिकल्स आर लार्ज, ठीक है, इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, बट दे कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, लेकिन वो फिल्टर पेपर के पोर्स से जो है वो छोटे होते हैं, इसलिए वो भी फिल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं, लेकिन सस्पेंशन ऐसा नहीं करते। सॉल्यूट पार्टिकल्स आर लार्ज या बिग, बिग सो कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, इसलिए ये फिल्टर पेपर में से नहीं गुजर पाते, कि अगर आप लोग चौक सॉल्यूशन को जो है वो उसके ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर डालेंगे तो चौक जो है वो ऊपर सेपरेट हो जाएगा और वाटर नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब लास्ट वाला पॉइंट है, पार्टिकल्स आर सो स्मॉल, पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, डैट दे कैन नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, इसलिए ये बीम ऑफ लाइट को जो है वो स्कैटर नहीं करते, नहीं फैलाते, थस डू नॉट शो टेंडल इफेक्ट, इसलिए ये टेंडल इफेक्ट शो नहीं करते, और इसकी एग्जांपल मैंने लिखी हुई है नीचे सॉल्ट सॉल्यूशन। कोलाइड्स में पार्टिकल्स इज स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं इसलिए ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं, फैला देते हैं, थस शो टेंडल इफेक्ट, ये टेंडल इफेक्ट शो करते हैं। सस्पेंशन, पार्टिकल्स आर बिग, ये बड़े होते हैं, डैट लाइट इज ए ब्लॉक्ड, के लाइट जो है वो ब्लॉक ही हो जाती है, कि वो आगे जा ही नहीं पाती, स्कैटर होना तो दूर की बात है, एंड डिफिकल्ट टू पास, वो पास ही नहीं करती,
तो इसलिए सस्पेंशन भी टेंडरफाइट शो नहीं करते, ना सॉल्यूशन टेंडरफाइट शो करते हैं ना सस्पेंशन टेंडरफाइट शो करते हैं, सिर्फ जो है वो कोलाइड्स जो हैं वो टेंडरफाइट शो करते हैं। कोलाइड्स की एग्जांपल में आ जाती है जेली है, ब्लड है, और आपकी बुक में जो है वो काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, वहाँ से याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे सस्पेंशन में जो है वो कंपेरिजन के हवाले से भी एक डायग्राम है कि सोल्यूशन भी दिखाया हुआ है, कोलाइड दिखाया हुआ है और सस्पेंशन दिखाया हुआ है, ठीक है। सोल्यूशन में जो कुछ भी नहीं नीचे बैठा हुआ और ना ही वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, और कोलाइड के केस में वो ट्रांसपेरेंट नहीं है लेकिन पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठे, और सस्पेंशन के केस में जो है वो पार्टिकल्स सेटल डाउन हुए हैं, नीचे बैठे हुए हैं। और पेंट भी जो है वो आप लोगों के पास सस्पेंशन की एग्जांपल है, इसीलिए हम इसको हिला के यूज़ करते हैं। थैंक यू 9th क्लास, अच्छे तरीके से इस चैप्टर को याद कर लीजिएगा, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मस्ट आना है।